अजमेर के कचहरी रोड स्थित राजकीय स्कूल में प्रवेशोत्सव बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। इस दौरान स्कूल में नए बच्चों के प्रवेश पर तिलक लगाकर माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर स्कूल प्राचार्य व अन्य शिक्षक भी मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों का हौसला अफजाई किया और उनको अच्छी शिक्षा देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर नए विद्यार्थियों के परिजन भी मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों के प्रवेश पर खुशी जाहिर की। 2 जुलाई को शिविरा पंचांग अनुसार और शिक्षा मंत्री जी के आदेश अनुसार सभी जगह सामुदायिक बाल सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। उसी रूप में, उसी कड़ी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कचहरी रोड अजमेर में भी सामुदायिक बाल सभा का आयोजन किया गया। इसके लिए 2-3 दिन पहले पूर्वी हमने आमंत्रण पत्र और पीले चावल घर घर जाकर सभी अभिभावकों को बांटे। इसी कड़ी में आज 8 बजे से ये कार्यक्रम चालू है, जिसमें 7-8-9 प्रवेशी बच्चे हैं जिन्हें तिलक लगाकर माला पहनाकर और मौली बांधकर ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। और इसमें हमारे कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल मदार गेट से भी डॉक्टर साहब सहित पूरा स्टाफ आया हुआ है। वो भी जो रूबेला कार्यक्रम है, जो टीकाकरण होगा, उसके बारे में अभी पूरी जानकारी देंगे। और हमारे गोविंद नारायण जी महात्मा गांधी स्कूल से यहाँ के जो प्रभारी बनाए गए हैं, व्याख्याता, वो भी यहाँ इस कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में आए हुए हैं। और सभी SMC सदस्य और अभिभावक इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, वो वृक्षारोपण कार्यक्रम अभी किया जाएगा।